क्या आपको पता है कि जापान की कंपनी सोनी ने एक ऐसा एसी तैयार किया है जो माउस से भी छोटा है। हम आपको बता दें, जापान की कंपनी सोनी ने अपने ग्राहकों के लिए एक खास एसी तैयार किया है जो मोबाइल फोन से भी छोटा है, जिसे आप अपने कपड़े के अंदर पहन सकते हैं। सोनी कंपनी के इस एसी का नाम रेऑन पॉकेट है। इसकी खासियत यह है कि गर्मी में ठंडक और ठंडी में गर्म हवा देगा। इसके अलावा इस एसी को आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। सोनी के इस रेऑन पॉकेट एसी की कीमत लगभग 13,000 येन है। दरअसल हम आपको बता दें, ये केवल अभी जापान में ही उपलब्ध है। उत्तर कोरिया का ऐसा देश है जिसके कानून बेहद अजीबोगरीब हैं। ऐसे कानूनों के कारण वहाँ की जनता को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ के सन की तानाशाह किंग जोंग उन को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उस देश के कानून शायद ही आपको पता हूँ। हम आपको उत्तर कोरिया के ऐसे ही कानून के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दरअसल हम आपको बता दें, अगर यहाँ कोई नागरिक अपराध करता है तो उसे उनके 3 पीढ़ियों तक की सजा दी जाती है, यानी कि दादा की गलतियों की कीमत पोते तक को चुकानी पड़ती है। आपको उत्तर कोरिया के इस अजीबोगरीब नियम के बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आप लोगों ने कभी न कभी ट्रेन से सफर जरूर किया होगा और ट्रेन की पटरी अवश्य देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन की पटरी 24 घंटे खुले आसमान के नीचे हवा और नमी में रहती है, उसके बावजूद भी इसमें जंग क्यों नहीं लगता? दरअसल हम आपको बता दें कि ट्रेन की पटरी बनाने में स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। यह कोई सामान्य स्टील नहीं होता, बल्कि जंग प्रतिरोधक स्टील होता है। इस जंग प्रतिरोधक स्टील में कई सारे रासायनिक तत्वों का मिश्रण होता है, जिसमें से सबसे मुख्य तत्व मैंगनीज होता है। स्टील और मैंगनीज के इस मिश्रण को हैटफील्ड स्टील कहते हैं। ट्रेन की पटरी को सालों तक खुले आसमान के नीचे होने के बावजूद भी इसे जंग लगने से बचाता है। सड़क पर ट्रेवल करते हुए आपने अलग अलग रंग के माइलस्टोन जरूर देखे होंगे, जिस पर किसी विशिष्ट स्थान की दूरी व उसका नाम लिखा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क के किनारे अलग अलग रंग के, जैसे नारंगी, पीला, काला, नीला और हरी पट्टी वाले माइलस्टोन क्यों लगे होते हैं? दरअसल हम आपको बता दें कि सड़कों पर बने अलग अलग रंग के ये माइलस्टोन एक तरह के कलर कोड्स हैं, जो ये दर्शाते हैं कि आप किस प्रकार के सड़क या राजमार्ग पर यात्रा कर रहे हैं। अगर आपको सड़क के किनारे नारंगी रंग का माइलस्टोन दिखे तो समझ लीजिए आप किसी ग्रामीण सड़क पर चल रहे हैं, और अगर आपको सड़क के किनारे पीली पट्टी वाले माइलस्टोन दिखे तो समझ लीजिए आप नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं। अगर सड़क के किनारे काला या नीला माइलस्टोन दिखे तो इसका मतलब आप किसी बड़े शहर या जिले में आ गए हैं, और अगर आपको सड़क के किनारे हरे रंग के पट्टी वाले माइलस्टोन दिखाई दे तो इसका मतलब आप स्टेट राजमार्ग पर हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ? अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल डायनासोर का अंत एक विशालकाय उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराने से हुआ। जब यह उल्का पिंड अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचा, तब घर्षण की वजह से यह भयानक आग के गोले में बदल गया। कुछ ही क्षण बाद जब यह पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी पर भयंकर विस्फोट हुआ। यह विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। उल्का पिंड के टकराव के कारण पृथ्वी पर अधिक तीव्रता का भूकंप आ गया, जिसके बाद समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी लहरें पड़ने लगी। तीव्रता वाले भूकंप ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया और वो जगह जगह फूटने लगे, और हम आपको बता दें जिसकी वजह से गर्म हवा ने पूरे वायुमंडल को ढक लिया, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। तो डायनासोर इस भयंकर प्रलय को झेल नहीं पाए, जिसके बाद डायनासोर का अंत जगह जगह होने लगा।